inspirational story. And our speaker is Ruma Devi, a grassroots entrepreneur and a fashion designer. Ruma Devi has trained and given jobs to over 22,000 women from 75 villages in Rajasthan. After being associated with leading Indian and international fashion designers like Anita Dongre, Bibi Russell, Abraham Entokor, and others, she is expected to launch a brand dedicated to Rajasthan's handcrafted textiles by the end of this year. She is also a recipient of Nari Shakti Puraskar 2018, the highest civilian honor for women in India. We're so glad to have Ruma Devi with us today. Thank you so much, ma'am, for taking time to join us with on Charcha 2020. I think we'll be playing a short video now. I'll just play the video. Yeah. Sorry for that. I think there has been a small technical glitch. We're trying to play the video to give you a sneak peek into the work done by Ruma Devi. While we figure how to play the video and sort the technical glitch, ma'am, could you please take over and start the session by talking about your journey? नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है पर आप वीडियो पे ऑफ है. हाँ, नमस्ते जी सभी को. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. मैं राजस्थान बाड़मेर जिले से हूँ और यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया है जहाँ महिलाएं हाथ का काम करती है. वो हमारा 25,000 महिलाओं का ग्रुप है. और अभी मैं आपको मैं इस काम से कैसे जुड़ी और कैसे इस काम से लगाव रहा इस बारे में मैं आपको बताती हूँ. जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया था. घर में ही दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी तो मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी, मैं पानी लाती थी. ऐसे ही 17 साल की थी तो शादी हो गई 2006 में. शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जब मेरी पहली संतान हुई तो उसको भी मैं अच्छे से इलाज नहीं करा पाई और मैंने खो दिया. तो उसके बाद में लगा कि अब जी के भी क्या करना है, ऐसे ऐसे विचार आने लगे. तो मैंने सोचा कि बचपन में दादी के साथ बैठ के कसीदाकारी का जो कार्य सीखा है इसी से कुछ करती हूँ. तो फिर सुई धागा लेके बैठ के और छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए. जो हाथ का काम था वो तो कसीदाकारी से कर रहे थे लेकिन उसकी स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं और वो खरीदने के लिए सक्षम नहीं थी. तो फिर हमने 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने काम शुरू किया था. यहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया और मेरे पास में थोड़ा बहुत इनकम आने लगी तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी और महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है और यहाँ पे गांव में इकट्ठे लोग नहीं रहते हैं, दूर दूर ढाणियों में दोरों के बीच में ढाणी में लोग रहते हैं तो उनके तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है गर्मियों के मौसम में. उस टेम्परेचर में उनके लिए मतलब सड़क वगैरह नहीं होती थी तो हम पैदल उनके घर तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट था. तो उनके घर पहुंच के फिर उनको काम के लिए तैयार करना क्योंकि महिलाओं के मन में काम करने की होती है लेकिन घर वाले राजी नहीं होते हैं तो फिर उनको मनाना. वो कभी कभी तो बोल देते कि हमारे जो घर का काम कर रही है यही करेगी, आप पता नहीं कहाँ लेके जाओगे, क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी. तो उनको समझाना, उनको बोलना कि हम इनको घर पे काम दे के जाएंगे, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा. तो ऐसे करके कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी
और जब वो सक्षम होने लगी तो पड़ोस की और महिलाएं साथ में जुड़ने लगी और घर वाले भी साथ देने लगे कि ये तो घर बैठे अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे करके ये सफर शुरू हुआ था। लेकिन उस टाइम मार्केटिंग की बहुत दिक्कत थी क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इस कारण भी लोग काम नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ के ये काम शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि आप एग्जीबिशन करोगे तो आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा तो आत-आत पेमेंट मिलेगा, उससे आप अच्छा काम कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो फिर हमने एग्जीबिशन करने शुरू किए। दिल्ली में हमने सबसे पहले एक एग्जीबिशन किया, तो उसमें हमारी 2010 की बात है, 10-15 हजार की सेल हुई थी। उससे काफी अच्छा हौसला मिला था कि हम और अच्छा काम करेंगे आगे। तो उस टाइम हमने आके तैयारी की एग्जीबिशन की। नेक्स्ट एग्जीबिशन में हमारी काफी अच्छी सेल हुई, जैसे 10-11 लाख की। तो उसके बाद में हमें लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो लोग बहुत पसंद करते हैं हाथ के बने हुए, तो इसको अब नवाचार कैसे किया जाए, इसमें कुछ और नया बनाए, क्योंकि उस टाइम तो हम बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स यही बनाते थे। तो फिर हमने पहनने के लिए कपड़े बनाने का सोचा कि अभी एप्लिक एम्ब्रॉयडरी में कपड़े ज्यादा नहीं बनाते हैं, तो हमने कुर्ते, दुपट्टे, साड़ीज ये बनाना शुरू किया। लेकिन इसमें भी लगा कि लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं पहने हुए कैसे लगेंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना फैशन शो किया जाए। और फैशन शो हमारे लिए तो बहुत ही ऐसा सब था क्योंकि हम सोचते थे कि फैशन फैशन मतलब शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनना यही फैशन होती है। तो किसी ने बताया नहीं, हेरिटेज फैशन शो भी आप कर सकते हैं। तो हमने जो राजस्थान हेरिटेज भी हो रहा था, तो उस टाइम हमने बोला कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन हो, यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर फैशन शो के लिए आएंगे, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। तो हमने बोला नहीं, हमें फैशन शो करना है, आप हमें एक बार मौका दीजिए। तो वहां से मौका मिला। फिर दिक्कत है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे किया जाएगा। तो फिर हमने और बड़े एनजीओ से मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका लेवल ये नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, आप आर्टिजन हो, फील्ड में काम कर रहे हो, वही आपके लिए बहुत है। तो हमने सोचा कि अब मदद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये फैशन शो हम जरूर करेंगे। तो हमने ही कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किया और पहुंच गए फैशन शो के लिए। और जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आने वाले थे तो डर लग रहा था कि इतने बड़े डिजाइनरों के बीच में हमारा फैशन शो कैसा होगा, प्रोडक्ट किसी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। लेकिन जब प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारे जो वहां पे डिजाइनर थे वो खड़े होके तालियां बजा रहे थे, और नेक्स्ट शो के लिए तैयारी करने के लिए वो भी बाड़मेर से अब्राह्मण ठाकुर, बेबी रसेल, अनिता डोंगरे, हेमंत त्रिवेदी, बड़े बड़े डिजाइनर बाड़मेर से प्रोडक्ट बना के उन्होंने फैशन शो किया। लंदन फैशन वीक तक हमारे प्रोडक्ट गए, और उससे हमें लगा कि ये तो और अच्छा मौका मिल गया। फिर हमने फैब्रिक में नवाचार किया, हर जगह से फैब्रिक खरीदा, जैसे टसर, मूंगा, मटका, सिल्क में, संदेरी, मैश्री, इसमें तो काफी अच्छा फायदा हुआ इससे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल फेयर करते हैं, अभी इंडिया में तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे करके 10 महिलाओं का जो सफर शुरू हुआ था आज 25 हजार तक पहुंच गया है। उसके बाद में अभी हम और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 12 साल का सफर था हमारा, पहले हमें बिल्कुल पैसे कम मिल रहे थे, अभी हमें जाके महिलाओं को तैयार किया, मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, उसको ट्रेनिंग दी, स्किल की ट्रेनिंग दी, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी। उसके माध्यम से जो महिलाएं पहले अपने घर में, उनके घर में मैं जाती तो उनके घर वाले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आज वही महिलाएं खुद अपने प्रोडक्ट बने हुए दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर में जाके सेल करती है, और निफ्ट जैसे कॉलेज में जाके बच्चों को सिखाती है, और पूरे इंडिया के जो ट्राइब्स आर्टिजन है उनको भी सिखाती है, और हम भी अभी पूरे इंडिया के ट्राइब्स आर्टिजन है उनको, उनके फैशन शो करते हैं, उनकी कला को प्रमोट करते हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं खुद महिला। जो अभी मोदी जी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हमारा प्रयास ये 12 सालों से चल रहा है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई उन्होंने ये लक्ष्य सबके लिए बोला। और कोरोना में के कारण अभी हमारे बहनों के पास में काम कम है, तो हम आगे अभी उनके लिए सोच रहे हैं कि उनको
काम मिले तो जल्द ही हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार होने वाली है, लॉन्च होगी अभी। तो आप सभी से भी सहयोग चाहिए कि उन महिलाओं को काम मिले, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे तो ही उनको काम मिल पाएगा। तो अभी ये सब चल रहा है और आप सभी का भी सहयोग चाहिए। और अभी ये कोरोना और लॉकडाउन नहीं होता तो इस टाइम में यूएसए में होती, क्योंकि यूएसए के 5 राज्यों में बड़े फैशन शो होने वाले थे, उससे हमारे आर्टिस्टों को काफी फायदा होने वाला था, लेकिन इसकी वजह से नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आगे और अच्छा काम करेंगे, कोशिश है हमारी जारी है। जी मैडम, आपकी कहानी सुन के लाइक आई वाज सो इंस्पायरिंग, और हमें बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के। जैसे आपने आपने कहाँ से कहाँ तक इतना इतना अच्छा काम किया है, आपने लोगों को भी काम दिलवाया है। और सो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्रोग्राम। आप आए इस प्रोग्राम पे, आपने आपके बारे में बताया, आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया, आपके काम के बारे में बताया, आपकी मुश्किलों के बारे में बताया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, हम सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू संध्या जी, आपने सबसे रूबरू करवाया, सबसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे जो आर्टिजन हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, जो गांव में उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनकी हम अभी मदद कर रहे हैं। और जमनालाल फाउंडेशन ने हमारी काफी अच्छी मदद की है, और एक ओसवाल जी है, उन्होंने काफी अच्छी मदद की है। तो ऐसे करके हमने 2,000 आर्टिजनों को अभी खाने के किट दिए हैं, और बाकी 15,000 अभी वेटिंग में हैं। तो अभी ये काम चल रहा है, और बाकी हम मास्क वगैरह बना के उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी मतलब रोज के उनको आदत पड़ जाए इस हिसाब से उनको तैयार करते हैं, क्योंकि गांव में लोग नहीं समझते हैं, उनको मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी सबको पता चल गया है कि ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, इससे सावधानियां रखना ही हमारा बचाव है। तो अभी ऐसा चल रहा है, और आपने सबसे रूबरू करवाया, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हम सबसे आपने बात किया। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप और भी अच्छा अच्छे काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सो गाइस, दैट वाज रूमा देवी, एंड वी आर सो लकी टू हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू हियर हर इंस्पिरेशनल स्टोरी। I'm sure all of you are really motivated and inspired after learning about her journey. And moving on to our next segment, I think we will be starting our next segment at 7 o'clock. So I think I'll take you through and give you a bit of an introduction as to what is going to happen next. So the next event is going to be a keynote plenary with Mr. Kailash Satyarthi, the father of global child rights movement and Nobel Peace Laureate. And he's going to be in conversation with Gaurav Gupta, the partner and Asia director for Dalberg. And they will explore as to how the existing disparities and inequalities for the most vulnerable in the society have been exacerbated manifold during COVID-19 pandemic. The topic of this discussion is compassionate economy for sustainable development. So I really hope you will be a part of this session, and I hope you enjoy this discussion. Thank you so much for being a part of our discussions for today. I'll see you all at the plenary keynote speech.